कौन से सेक्शन नंबर में डिफाइंड है सेक्शन नंबर टू एच सो वॉट डू यू मीन बाई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सब लोग बोलो तो एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू वट अग्रीमेंट तो यही अग्रीमेंट में अगर लॉ की एनफोर्सिबिलिटी है क्या आपका ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा uh -huh. देखो हर एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो होता ही है बट क्या हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नेसेसरी है नहीं तो देखो ओनली दो अग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ विल टर्न इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज वो अग्रीमेंट ही रह जाएंगे तो कौन सा टर्म वाइडर है अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट yes. तो कौन सा टर्म नैरोअर है ओके नेक्स्ट पॉइंट आपको मुझे बताना है कल हमने एक की की शुरुआत की थी एंड जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए है? एक ही हमने किया था was, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं दो मैक्सिमम क्या कितने भी हो सकते हैं मिनिमम की रिक्वायरमेंट कितनी है टू पर्सन क्या ये पर्सन नेचुरल हो सकते हैं आर्टिफिशियल और क्या नेचुरल और आर्टिफिशियल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है यस yes. आ जाइए आपकी टेक्स्ट बुक्स पे एंड टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है फोर पेज नंबर फोर राइट यस पॉइंट नंबर पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट ऑब्लिगेशन ये वही चीज है जो डे नंबर वन से मैं कहते आ रही हूं कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या लीगल एनफोर्सिबिलिटी होना जरूरी है तो अगर आपकी अग्रीमेंट अग्रीमेंट सोशल नेचर की है या डोमेस्टिक नेचर की है तो क्या आपकी ये अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगी yes. अगर आप चाहते हो आपकी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने तो ऐसे केस में क्या इसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए ओनली इफ यू हैव लीगल enforceability देन ओनली इट विल टर्न into a अ कॉन्ट्रैक्ट एक केस लॉ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं आप लोग ये केस को सुनो और फिर आपको मुझे सोच के जवाब देना है कि सपोज आप जज होते सपोज आप जज होते तो ये केस में आप क्या डिसीजन देते तो मैं केस जो है वो आपके सामने रखती हूं थोड़ा सा सो सोचना जो पिछले दो दिनों में मैंने आपको सिखाया है ना वो सोचना और मुझे जवाब देने की कोशिश करना कि अगर आप जज होते थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स आपको भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पता है उसको अप्लाई करके अब आपको मुझे डिसीजन देना है कि मैम ये बंदा सही है और ये बंदा गलत है मैम इसको इंसाफ मिलना चाहिए इसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए तो देखो ये केस में हुआ क्या था इट इज अ रियल केस लॉ इट इज अ रियल केस लॉ मतलब एक्चुअली किसी ने किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसा कुछ केस फाइल किया था देखो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिख रहा है यहां पे पेज नंबर फोर में ग्रीन के पैच में ग्रीन पैच में एक एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल जहां पे खत्म हुआ है ना ब्रैकेट में मैंने ऐसा कुछ लिखा है बैल्फ वर्सेस बैल्फर नजर आ रहा है क्या ऐसा कुछ लिखा है बैल्फ वर्सेस बैल्फ ये ऐसा क्यों लिखा है वो मैं बाद में आपको बताऊंगी पहले ये केस में हुआ क्या था पहले मैं वो बताना चाहती हूं हस्बैंड और वाइफ थे देर वॉज अ कपल हजब एंड वाइफ क्या हुआ हजबैंड की जो नौकरी थी वो किसी दूसरे देश में लग गई सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड और वाइफ इंडिया में थे वो लोग इंडिया में रह रहे थे अनफॉर्चुनेटली हजबैंड का ट्रांसफर यूरोप में हो गया हजबैंड का ट्रांसफर यूरोप में हो गया तो ना वाइफ इज इन इंडिया एंड हजब इन यूरोप हजब वही पे काम कर रहा है और वही पे यूरो वाइफ जो थी शी वॉज अ होम मेकर मतलब शी वॉज हाउस वाइफ शी वॉज नॉट अर्निंग फॉर herself. सेल्फ तो इसीलिए क्या हुआ हस्बैंड ने वाइफ को प्रोमिस किया हस्बैंड ने वाइफ को प्रोमिस किया कि हर मंथ देखो ये बहुत पुराने जमाने का केस लो है हर मंथ तुम्हारे मेंटेनेंस के लिए मैं आपको थर्टी यूरोज दूंगा बिकॉज हस्बैंड यूरोज़ में कमा रहा था ना यूरोप में गया था तो इसलिए हस्बैंड ने वाइफ को क्या प्रॉमिस किया तुम्हारे मेंटेनेंस के लिए मतलब घर खर्चे के लिए मुझे पता है कि तुम्हें पैसे लगेंगे तो यही घर खर्चे के लिए हर महीने मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको थर्टी यूरोज दूंगा एवरी मंथ फॉर योर मेंटेनेंस कुछ समय के लिए हस्बैंड ने थर्टी यूरोज दिए बट आफ्टर टाइम हस्बैंड ने ये थर्टी यूरोज देना बंद कर दिया क्योंकि हस्बैंड ने अपना वादा तोड़ दिया ना क्या हुआ मिसेस बेल्फर ने मतलब वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट केस फाइल किया और वाइफ चली गई ना कोर्ट ऑफ लॉ में और कहा जज को कि हे hey, जज साहब देखो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ गलत कर दिया उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एवरीवन वो मुझे थर्टी मेंटेनेंस देना बंद कर दिया उन्होंने अपना वादा तोड़ा है अब मुझे जस्टिस दो आप खुद जजमेंट दो कि उन्होंने जो किया है वो गलत है एंड ही हैज टू कंटिन्यू टू पे दीज थर्टी यूरोज टू मी अब आप इमेजिन कीजिए कि सपोज आप जज साहब हो और वाइफ ये प्लीड लेके आपके पास आई है अब थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पता है अब मुझे आप बताओ आप किसके फेवर में डिसीजन दोगे हस्बैंड के या वाइफ के ज़िया ज़िया। और क्यों एग्जैक्टली वेरी गुड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देखो आपने जो जवाब दिया वो टोटली करेक्ट है यहां पे हुआ क्या है वाइफ यही नहीं समझ पाई कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो कमर्शियल नहीं है वो किस नेचर का है डोमेस्टिक और अगर वो डोमेस्टिक नेचर का है जरूर ऑफर है जरूर एक्सेप्टेंस है बट वो अग्रीमेंट ही रह गया ये अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल नहीं है तो इनके बीच में जो हुआ है वो क्या है अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट और अगर ये अग्रीमेंट है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है देर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की आपको रेमेडीज एक्ट के लिए सबसे पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है यहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं और अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ ये एक्ट ही अट्रैक्ट नहीं होगी और अगर ये एक्ट अट्रैक्ट नहीं होगी ये एक्ट के अंदर की रेमेडीज भी आपको नहीं मिलेगी तो ये डिसीजन वही आया कि ये केस मेंटेनेबली नहीं है इन शॉर्ट हजबेंड ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है हाँ मैं ये नहीं कहती कि डोमेस्टिक उसको क्या वायलेंस झेलना पड़ेगा वो उनका घर का मामला है बट जहां तक हमारी कानून की दुनिया है कानून ये चीज कह रहा है कि मिसिज बैल्फर मिसिज बैल्फर मतलब वाइफ आपने जो प्लीड हमारे पास की है वो सही नहीं है क्योंकि ये आपके और हस्बैंड के बीच का जो मामला है वो कमर्शियल नहीं है वो डोमेस्टिक है और क्योंकि ये डोमेस्टिक नेचर है ये अग्रीमेंट ही रह जाएगा ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा सब लोग एक साथ ये केस लॉ को मेरे साथ रीड करेंगे देखो हुआ क्या है चलो पढ़ो जस्ट रेज हैंड्स जिन किन लोगों के पास नोट्स नहीं है रेज योर हैंड्स विल गिव यू नोट्स बाकी सारे लोग प्लीज यहां पे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए या जो भी अपने नोट्स पे ध्यान दीजिए एंड एवरी वन रीड ऑन फर्स्ट अ हजबेंड अग्रीड टू पे हिज वाइफ सर्टन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ ही अब्रॉड ये ये सर्टन अमाउंट जो था ना टू बी स्पेसिफिक इट वॉज थर्टी यूरोज पर मंथ बट इतने स्पेसिफिक चीजें याद रखने की आपको जरूरत नहीं है आपको क्या याद रखना होगा कि डिसीजन लॉ मेकर्स ने क्या लिया था बस हाँ, आगे पढ़ो हाँ एवरी वन रीड टूगेदर चलो हजब फेल टू पे द प्रोमिस्ड वाइफ स्यू डेम फॉर द रिकवरी ऑफ द देखो स्यू करना मतलब केस फाइल करना हाँ यर रीड करो तो यर इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर

तीन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करो एक तो हस्बैंड दूसरा वाइफ और ये सोशल के बदले वहां पे और स्पेसिफिक हो जाओ डोमेस्टिक लिख दो डोमेस्टिक अग्रीमेंट तो जब आप घर पे जाके ये केस को पढ़ोगे ना आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो कमर्शियल नेचर का नहीं है इसलिए ये सिर्फ एक अग्रीमेंट रह जाएगी क्यों अग्रीमेंट रह जाएगी क्योंकि देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन तो सिर्फ अग्रीमेंट है एनफोर्सिबिलिटी नहीं है और क्योंकि एनफोर्सिबिलिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है कुछ समझा क्या मैंने क्या कहा पक्का अब देखो केस लॉ का नाम जो है ना इस तरीके से लिखा है बैल्फर वर्सेस बैल्फर ऐसा क्यों लिखा है देखो जब कभी भी कोई भी केस लॉ आपको साइट करना होता है साइट करना होता है मतलब किसी को बोलना होता है एक पर्टिकुलर ढंग होता है तरीका होता है केस लॉ को बोलने का कैसे आप बोलते हो देखो केस दो पार्टीज के बीच में होता है मतलब एक वो है जिसने दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल किया है और दूसरी पार्टी वो है जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है एक वो है जो किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है और दूसरा कौन है जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है अब देखो जो केस फाइल कर रहा है मतलब क्या वो दुखी है सेंस क्या उसके साथ उसको लग रहा है कि गलत हुआ है हाँ या ना तो ये बंदे को कहते हैं जो केस फाइल कर रहा है उस बंदे को कहते हैं एज द प्लेंटिफ क्या कहते हैं प्लेंटिफ और जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है मतलब अब क्या होगा आपने किसी और के अगेंस्ट केस फाइल किया है अब वो बंदा क्या बोलेगा नहीं नहीं जज साहब मेरे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो गलत है देखो ये मेरी सारी पिक्चर है और उस हिसाब से मैं सही हूं मतलब ये बंदा जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा रहा है क्या अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेगा क्या अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा तो इस बंदे को कहते हैं एज द डिफेंडेंट क्या कहते हैं डिफेंडेंट कोई भी केस लॉ जब साइट होता है जब आप बोलते हो इट इज ऑलवेज प्लेंटिफ़ वर्सेस डिफेंडेंट प्लेंटिफ़ मतलब वो बंदा जिसने केस फाइल किया है यहां पे किसने केस फाइल किया था वाइफ ने या हस्बैंड ने और जिसके अगेंस्ट आप केस फाइल करते हो उसको कहते हैं डिफेंडेंट यहां पे डिफेंडेंट कौन है और जजमेंट किसके फेवर में आया वाइफ के हस्बैंड के, के कहा गया हस्बैंड ने जो किया है वो सही है वाइफ जो डिमांड कर रही है वो गलत है क्योंकि यहां पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो ये एक्ट ही अट्रैक्ट नहीं होगी हो, हो कि नहीं तो देखो कोई भी केस लॉ आज के बाद जो भी आप केस लॉ देखोगे ना उसमें होगा क्या केस लॉ में दो बंदों के नाम होंगे और वर्सेस मतलब कि जैसे मैंने आपको सु किया है इसलिए लिखते हैं वर्सेस, प्लेटिव वर्सेस डिफेंडेंट तो आपको ऑटोमेटिकली ये क्लिक हो जाना चाहिए पहला नाम उस बंदे का है जिसने केस फाइल किया है और दूसरा नाम उस बंदे का है जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है बेल्फर इज देयर सर नेम इसलिए केस लॉ का नाम हो गया बेल्फर वर्सेस बेल्फर सो इट वाज बेसिकली मिसेस बैल्फर वर्सेस मिस्टर बेल्फर समझ में आया क्या आपको yes, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा या ज्यादा ज्यादा yes, या सब कुछ yes, पक्का तो देखो पहला असेंशियल दो पार्टीज होनी चाहिए दूसरा असेंशियल ये दोनों भी पार्टीज के बीच का रिश्ता ऐसा होना चाहिए दैट इट शुड टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेसिकली लीगल एनफोर्सिबिलिटी होना जरूरी है पॉइंट नंबर थ्री पे मैं जाऊं ये लिखना है क्या आपको ये लिख दिया ना सर्टेन केसेस देखो कुछ कुछ केसेस में दूसरी भी चीजें होती है जो नेसेसरी होती है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए दूसरी कौन सी चीज़ है जैसे कि कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरी राइटिंग में होना जरूरी होते हैं राइटिंग में देखो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आपने आपके क्लोथ लॉन्ड्री में दिए आपने आपका मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया आप रिक्शा में बैठ गए आप बस में बैठ गए यहां पे क्या हर बार कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त क्या आपकी सिग्नेचर ली जाती है क्या राइटिंग में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है नहीं क्या ये ओरली हो जाता है आपने कह दिया कि ये कपड़े ड्राई क्लीन करने हैं दो दिन बाद मुझे दे दीजिए वो कहता है हाँ एक छोटा सा रिसीट देगा आप मनी दोगे और दो दिन बाद आपका आपके क्लोथ्स कलेक्ट कर लोगे आप जैसे ही रिक्शा में बैठते हो आप कहते हो मुझे शिवाजी और रोड पहुंचा देना जैसे बाजीराव रोड पहुंच जाते हो इतना इतना पैसा हुआ है पैसा दे दो रिक्शा से उतर जाओ यहां पे क्या आपने कोई भी रिटिन कॉन्ट्रैक्ट किया था या कहीं पे भी आपकी सिग्नेचर ली गई थी बिफोर एंटरिंग इनटू द रिक्शा नहीं हर बार राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होना नेसेसरी नहीं होता है ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होते हैं बट देखो यस कुछ ऐसे कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो राइटिंग में लिख राइटिंग में होना कंपलसरी होते हैं वो लॉ मेकर्स ने लिखा हुआ है वो मैं बताऊंगी बहुत टाइम है उसको बट वो चीज पे हम आएंगे जिससे कि मैं आपको बताती हूँ इमूबल प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि ये क्लासरूम या मुझे कोई घर खरीदना है या से मुझे अपना घर किसी को बेचना है ऐसे टाइप के इमोबल प्रॉपर्टी के नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कंपल्सली राइटिंग में तो होते राइटिंग तो छोड़ो वो रजिस्टर्ड भी होते हैं आपने कभी आपके पेरेंट्स को देखा है uh, प्रॉपर्टी अपने नाम पे जब वो ट्रांसफर करवाते हैं या अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेच रहे दे गो टू द रजिस्टर रजिस्ट्रार के पास वो जाते हैं मालूम है कुछ आपको रजिस्ट्रार के पास जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिस में वो जाते हैं और वहां पे एक्चुअली वो ग्रीन पेपर जो होता है ना ए फोर साइज का बड़ा ग्रीन पेपर उसमें सारी चीजें लिखी होती है कि मैं ये मेरा नाम मेरी एज आई एम द सन ऑफ आई एम द डॉटर ऑफ मेरी ये प्रॉपर्टी है इस तारीख को इतने पैसों के लिए इस बंदे को दे रहा हूं ये सारी चीजें राइटिंग में तो होती है प्लस गवर्नमेंट ऑफिस में ये सारी चीज रजिस्टर्ड भी होती है कभी आपने देखी है ये चीज पता नहीं आप लोग अभी तक बहुत इमेच्योर हो ये सारी चीज़ें समझने के लिए बट अगर आप आपके पापा के साथ बिजनेस करते हो गए या आपने बिजनेस देखा है अपने घर पे तो ऐसे किस में ये सारी चीज़ें आपको पता होगी मतलब बेसिकली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ओरली नहीं किए जा सकते तो सपोज ये क्लासरूम मुझे खरीदनी है ओनर से मैं डायरेक्टली बात करके ये क्लासरूम खरीद नहीं सकती एक्चुअली एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों की सिग्नेचर्स होगी प्लस सरकारी रजिस्ट्रार के ऑफिस में हम जाके इस प्रॉपर्टी के परचेज को रजिस्टर करवाएंगे तब ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा तो कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे टाइप के होते हैं जो राइटिंग में करना ज़रूरी होते हैं जिसमें पार्टीज़ की सिग्नेचर होना जरूरी होता है कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो रजिस्टर करना ज़रूरी होता है तो ये सारी चीज़ें बात की बातें हैं हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये चीजें नेसेसरी नहीं है जरूरी नहीं है कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें ये सारी चीजें नेसेसरी होती है और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैसे नेचर का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आपको वो सारी चीजें भी करनी पड़ेगी तो सपोज अगर मैं ये क्लासरूम खरीदना चाहती हूं आई कैन नॉट ओरली एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ओनर राइटिंग में होगा इज्जत से सिग्नेचर होगी दोनों पार्टीज की हर पेज पे हाँ हर पेज पे होती है फ्रंट भी बैक भी प्लस हम लोग ये प्रॉपर्टी के सेल और परचेज को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाएंगे तब माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है अदरवाइज ऐसा माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है बट किसके लिए है ये जरूरी वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कुछ कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हो जिनके लिए ये सारी चीजें जरूरी होती है हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी नहीं होता कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जरूरी होगा कुछ सेशंस बाद में आपको बताऊंगी ठीक है रीड करो सब लोग चलो देखो इसलिए लिखा केस ऑफ सर्टेन केसेस नॉट ऑल मैंने लिखा केस ऑफ सर्टेन मतलब कुछ कुछ के लिए ये जरूरी है सभी के लिए जरूरी नहीं है पढ़ो इनकेस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट मज बी इन राइट जिससे इंश्योरेंस पता नहीं आपके पेरेंट्स ने अपना शायद लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा लाइफ इंश्योरेंस समझता है क्या आपको तो सपोज से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया है इसका क्या मतलब हुआ से अनफॉर्चुनेटली अगर मिस्टर एक्स की से वो इंश्योरेंस का टर्म दस साल का था दस साल में डेथ हो गई तब तो ऐसे केस में जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट प्रॉमिस किया गया था ना वो अमाउंट उनके फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा कुछ समझ रहा है क्या आपको अब ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरली राइटिंग में होना जरूरी है क्यों क्योंकि बाद में फैमिली इश्यूज हो जाते हैं जैसा अभी रिसेंटली ये मूवी आई है रेस आपने देखिए रेस थ्री बी रेस टू बी ये सारी मूवीज जो है वो इंश्योरेंस के पैसों के लिए ही तो थी आपने देखा था क्या आपने ये मूवीज देखी है या नहीं देखी है नहीं देखे मूवी अच्छा और रिस्ट्री नहीं देखी <laughs> बहुत बड़े टॉर्चर से बच गए आप लोग बेसिकली इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इमोबल प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंपल्सरी राइटिंग में होना नेसेसरी है तो वही ये चीज लिखिए आगे लिखो आगे पढ़ो तो फर्दर इन द केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ो पढ़ो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर द लॉज विच इज इनफोर्स एट द टाइम इज असेंशियल फॉर इट टू बी वैलिड तो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी जब कभी भी आप खरीदते हो या बेचते हो उस केस में उसको रजिस्टर करना नेसेसरी है तो अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर नहीं किया ये कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड माना जाएगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शियल मतलब समझता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर ये चीजें नहीं है आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए टू पार्टीज का होना नेसेसरी है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए लीगल एनफोर्सिबिलिटी होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए अगर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है तो वो चीजों का होना नेसेसरी है वहीं पे लिख दो ना और एग्जांपल्स लिख दो एक तो राइटिंग है जो मैंने टेक्स्ट बुक में दिया है दूसरा रजिस्ट्रेशन है वो भी मैंने टेक्स्ट बुक में दिया है और एग्जाम्पल्स लिखो स्टैंपिंग गवर्नमेंट का स्टैंप देखा है क्या कभी आपने हंड्रेड रुपीज का स्टैंप आता है फाइव हंड्रेड रुपीज का स्टैंप आता है कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में वो स्टैंपिंग भी नेसेसरी लिख दो स्टैंपिंग और लिखो साइंड देखो सिग्नेचर ही अगर नहीं है देखो आपकी बर्थडे आ रही है से फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू टर्न एटीन ईयर्स ऑफ एज मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई कि आप अठारह अच्छा साल के हो गए अब मैं क्या करती हूं मैं आपके नाम पर चेक लिख देती ना तो so, सपोज मैंने आपके नाम पे आपका नाम क्या है शोभित तो so, देखो मैंने लिख दिया पे शोभित अ सम ऑफ रुपीज वन लैख रुपीज ओनली वर्ड्स में फिगर्स में आज की डेट लिख दी साइन ही नहीं किया ना वो चेक और दे दिया शोभित को अब मुझे बताओ क्या ये चेक शोभित क्लेम कर पाएगा अभी देखो चेक इशू करना इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बट इस कॉन्ट्रैक्ट में सिग्नेचर होना क्या नेसेसरी है बोलो ना सिग्नेचर अगर नहीं होगी ये चेक बाउंस होने वाला है इट इज गोइंग टू गेट रिटर्न वाई क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा क्यों इनवैलिड माना जाएगा क्योंकि चेक के केस में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ना कि उसमें सिग्नेचर होना जरूरी है ऑफ द ड्रॉअर ड्रॉर मतलब जो ओनर है इस बैंक का जो पे कर रहा है ये पेमेंट टू हिम हाँ या ना तो कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में सिग्नेचर होना जरूरी है अगर सिग्नेचर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है वेरी गुड नेक्स्ट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग अच्छा ये पॉइंट आप मुझे समझाओ चलो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग आप समझाओ मुझे ये पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है ये सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग वो एग्जाम्पल भी आप पढ़ लो आपको क्लिक हो जाएगा ये पॉइंट क्या कह रहा है बहुत इजी पॉइंट है वेग ये मतलब समझता है वर्ड का वेग मतलब फालतू तो, फाल तो नहीं नॉट क्लियर वेग मतलब नॉट क्लियर जिनको नहीं पता है आप लिख दो वेग का मतलब होता है ट क्लियर जब आप कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ एंटर करने जा रहे हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए दे कैन नॉट बी वेग अब जैसे वो एग्जांपल दिया है कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि ए बी को 100 टन ऑफ ऑयल बेचेगा बट अब देखो ऑयल कितने सारे कैटेगरीज का हो सकता है इट कुड बी मोटर ऑयल इट कुड बी कुकिंग ऑयल इट कुड बी हेयर ऑयल कितने सारे ऑयल्स के टाइप होते हैं अब कल जाके मैं कोई दुकान पे जाऊंगी और मैं कहूंगी मुझे एक लीटर तेल देना कौन सा तेल ना क्या वो कुकिंग का ऑयल है क्या वो हेयर ऑयल है ऑयल है तो कौन सा ऑयल है इट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर अनक्लियर

समझ में आ रहा है तो दिस कैन नॉट हैपन जो मैंने डिमांड किया है वही मुझे ऑफर होना चाहिए ना नहीं तो वो ऑफर को मैं एक्सेप्टेंस कैसे दूंगी और अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगा अग्रीमेंट ही नहीं होगी बहुत सारे कैटेगरीज है And the last point says, कोई भी contract valid होने के लिए आप जो demand कर रहे हो वो चीज possible होनी चाहिए करने के लिए there should be a possibility of performance of an agreement. कल जाके से for example जैसे राजा ने रानी से प्रॉमिस किया कि शादी के बाद मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आ जाऊंगा क्या चांद तारे तोड़ के लेके आना पॉसिबल है नहीं। या तो फिर कोई से स्पिरिचुअल गुरु आपको प्रॉमिस कर रहा है टू मेक अ डेड पर्सन अ लाइफ बोलो मुझे क्या कोई तांत्रिक है जो बोल रहा है कि आप ये सारी चीजें मेरे लिए कर दो मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी कर दो ये डेड पर्सन को आई विल मेक हिम अ लाइफ इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये वैलिड रहने वाला है नहीं यही ये, ये चीज कहती है द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस एन अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इट सेल्फ नॉट बी एनफोर्स्ड वो एग्जाम्पल क्या कह रहा है जैसे ए अग्रीज टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक कुछ भी द अग्रीमेंट नॉट बी एनफोर्स्ड एज इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्मड वहां पर और एक एग्जाम्पल लिख दो टू मेक अ डेड पर्सन अ लाइफ शादी के बाद सब्जी भी लेके आ गया तो ज्यादा हो जाएगा चांद तारे छोड़ दो हो गया ये पांच पॉइंट्स आप लोग मुझे बता पाओगे क्या कौन से कौन से है party, party. अच्छा लिख लो लिखा आपने टू मेक अ डेड पर्सन अ सबसे पहली बात मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए कम से कम कितने लोगों ने चाहिए कैन दीज पर्सन बी नेचुरल पर्सन कैन दे ऑल्सो बी आर्टिफिशियल पर्सन शुड दे बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन तो अगर सोशल नेचर है या डोमेस्टिक नेचर है क्या यह अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगे yes. क्या वो अग्रीमेंट से रह जाएंगे yes. कुछ, 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 कुछ 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 हा नॉट ऑलवेज कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए दूसरी फॉर्मेलिटीज भी होना जरूरी होती है जैसे कि सर्टन कॉन्ट्रैक्ट हैव टू बी साइंड कोई कॉन्ट्रैक्ट्स रजिस्टर्ड होना जरूरी होते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स राइटिंग में होना जरूरी है तो ऐसे केस में वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अगर आपके केस में एप्लीकेबल है क्या वो रिक्वायरमेंट्स भी आपको फॉलो करना जरूरी है और अगर वो रिक्वायरमेंट्स आपने फॉलो नहीं किए क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड रहेगा हाँ या ना प्लस शुड शुडे बी अ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग तो जो मैंने डिमांड किया है क्या वही चीज मुझे ऑफर होनी चाहिए मैं डिमांड कुछ कर रही हूं ऑफर कुछ और हो रहा है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कभी होगा yeah. नहीं क्योंकि ये ऑफर को कभी एक्सेप्टेंस मिलेगा ही नहीं और लास्ट पॉइंट था जो कहता है जो आपने डिमांड की है चीज वो पॉसिबल होनी चाहिए परफॉर्मेंस की इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म व्हाट यू हैव डिमांडेड दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गेटिंग इट और नो श्योर हंड्रेड देखो ये पांचों भी पॉइंट तो जनरल थे अब मूव करने वाली जिसके लिए मैं कह रही थी ना कि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा मजेदार है और प्लस इंपॉर्टेंट है आर गोइंग बी अगले पेज पेज पे आ जाओ। नंबर फाइव पे जाओ नंबर आधा घंटा भी मुझे आप लोगों का चाहिए फुल अटेंशन ऑन वॉट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बस ये सेक्शन नंबर भी याद करना जरूरी है सेक्शन नंबर टेन धारा नंबर दस सेक्शन नंबर टेन बात करता है कौन से वो सारे रिक्वायरमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए नेसेसरी है देखो ऊपर के जो पांच पॉइंट्स हमने पढ़े ना कल और आज में वो जनरलाइज्ड पॉइंट्स थे वो ये एक्ट में नहीं दिए है एक्ट में जो दिए हैं वो मैं शुरू करने जा रही हूं अब विच इज कवर्ड इन सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर टेन किसके बारे में बात कर रहा है सेक्शन नंबर टेन वापस से बोलो असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहे ये सारी चीजें होना नेसेसरी है तो एक काम करो अपने टेक्स्ट बुक पे आ जाइए सॉरी नोटबुक पे आ जाइए और हेडिंग दीजिए सेक्शन नंबर टेन सभी के पास ये नोट्स है ना और नाम दीजिए उसको असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये पहला वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूं कल से हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हम लोग सिर्फ सब लोग एक साथ रीड करेंगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए सबसे पहली चीज क्या अग्रीमेंट होना जरूरी है हाँ या ना अग्रीमेंट मतलब क्या ऑफर प्लस एक्सेप्ट इनफैक्ट ना ये एक मैंने नोटबुक में लिखवाया था क्या कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट ये ये मैंने चीज लिखवाई थी क्या नोटबुक में आपको कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ ये मैंने लिखवाई थी क्या मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहली बात क्या अग्रीमेंट का होना जरूरी है अग्रीमेंट मतलब क्या होता है बोलो ऑफर प्लस एक्स अग्रीमेंट तो होना जरूरी है प्लस क्या एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना भी जरूरी है दिस इज वॉट द फर्स्ट पॉइंट इज सिंग पेज नंबर फाइव ना देखो पेज नंबर फाइव फर्स्ट पॉइंट के अग्रीमेंट का होना जरूरी है सब लोग साथ में रीड करेंगे ये फॉर्मल है अग्रीमेंट की जो एक्ट में दी है अभी तक जो दो दिनों में हमने डिस्कस किया है वो हमने लेमन लैंग्वेज में देखा था कि अग्रीमेंट मतलब क्या होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट दिस इज एकदम लो लेवल का लॉलीपॉप क्यों क्योंकि देखो लॉ आपके लिए नया था बट लॉ मेकर्स ने ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट नहीं लिखा है लॉ मेकर्स ने क्या लिखा है ये हम देखेंगे अब सब लोग साथ में रीड करोगे चलो एंड अग्रीमेंट इज द फर्स्ट असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू एवरी प्रोमिस आराम से एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एंड अग्रीमेंट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अब देखो यहां पर और एक वर्ड नया आया है वह है कंसिडरेशन तो देखो एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस प्रोमिस करना मतलब वादा करना तो अब देखो पहले दिन का एग्जाम्पल शाहरुख ने वादा किया आमिर से कि मैं आपको पचास लाख रुपए दूंगा जब आप मुझे आपकी गाड़ी बेचोगे याद है वो एग्जाम्पल याद है क्या शाहरुख ने क्या वादा किया है आमिर खान से कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ना क्या प्रॉमिस करता हूं दैट आई विल पे यू 50 लाख रुपीस किसके बदले में 50 लाख रुपीस तो जब कभी भी आप मुझे आपकी कार दोगे मैं आपको ये 50 लाख रुपीस दूंगा तो यहाँ पे देर इज अ सेट ऑफ प्रोमिस वाई सेट ऑफ प्रोमिस क्योंकि यहाँ से एक प्रोमिस हो रही है क्या एक प्रोमिस हो रही है कि मैं अपनी कार देने वाला हूँ और उसी प्रॉमिस के लिए दूसरी प्रॉमिस जा रही है ये दूसरी प्रॉमिस क्या है इसी कार के बदले में मैं आपको पचास लाख दूंगा नहीं समझा आमिर के साइड से आमिर की एक प्रॉमिस है क्या प्रॉमिस है कल मैं आपको मेरी कार दूंगा और इसी प्रॉमिस के बदले में

आमिर खान ने क्या प्रॉमिस किया है बोलो तो आमिर खान की प्रॉमिस क्या है और शाहरुख खान की प्रॉमिस क्या है पहली बात तो क्या यहां पे देर इज अ सेट ऑफ प्रोमिस देर आर टू प्रोमिस बिकॉज वन इज प्रोमिसिंग टू गिव कार एंड द अदर इज प्रोमिसिंग टू गिव कैश सो देर इज अ सेट ऑफ प्रोमिस अब देखो यहां पे कंसिडरेशन क्या होगा अगर मैं आमिर जी का केस देखू आमिर जी के लिए वन उनकी प्रॉमिस है टू शाहरुख वॉट इज हिज प्रॉमिस टू शाहरुख टू गिव हिज कार टू गिव कोई कुछ नहीं लिखेगा सिर्फ ध्यान दो टू गिव हिज कार और मुझे बोलो कार के बदले में उनको क्या मिल रहा है मीन्स वट इज गेटिंग इन रिटर्न इज कंसिडरेशन एंड वॉट इज दिस कंसिडरेशन फिफ्टी सो कंसिडरेशन फॉर आमिर वुड बी रूपीज फिफ्टी लैक्स सिमिलरली अब मुझे बताओ सपोज मैं शाहरुख का केस देख रही हूं वॉट इज गोइंग टू बी हिज प्रोमिस शाहरुख का प्रोमिस क्या है टू गिव फिफ्टी लैक्स टू आमेर और शाहरुख के साइड से देखो आप शाहरुख के साइड से फिफ्टी लैक्स देने के बाद समथिंग इन रिटर्न इज गेटिंग वॉट इज दिस तो मतलब हाँ तो मतलब मुझे अब बताओ शाहरुख जी के लिए कंसिडरेशन क्या ये कार है या नहीं है तो यस

तो मुझे बताओ ना आमिर की क्या ड्यूटी है और उसकी क्या राइट है पचास लाख लेने का वैसे शाहरुख की क्या ड्यूटी है कैश देने का और उनकी क्या राइट है कार रिसीव करने का सो so बेसिकली जो आप वादा करते हो वो आपकी प्रॉमिस है और वादे के बदले में जो आपको मिलता है वॉट यू गेट इन रिटर्न ज नोन एज कंसिडरेशन तो अब मुझे आप खुद बताओ हर एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या ऑफर और एक्सेप्टेंस मतलब प्रोमिस होने वाला है और इसी प्रोमिस के बदले में आई मई गेटिंग कंसिडरेशन इसी प्रोमिस के बदले में उन्होंने ना इसी प्रोमिस के बदले में इन्हें भी वो कंसिडरेशन मिल रहा है क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं कार दूंगी मुझे इन रिटर्न ये कंसिडरेशन मिल रहा है समझ में आ रहा है या नहीं अब आप डेफिनेशन पे आ जाओ वापस से पढ़ेंगे हम लोग डेफिनेशन सब लोग साथ में देखो एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर देखो ना एक की प्रोमिस दूसरा का कंसिडरेशन है वापस से एक की प्रोमिस एक की प्रोमिस क्या दूसरा का कंसिडरेशन है दिख रहा है आपको एक की प्रॉमिस दूसरे की कंसिडरेशन है और दूसरे का प्रॉमिस पहले वाले का कंसिडरेशन है कुछ दिख रहा है क्या आपको तो बेसिकली क्या ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है कुछ सब ऐसे बाउंसर जा रहेगा तो देखो ना यहां पे लैंग्वेज ही वो वो यूज किए फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर मेरी प्रॉमिस आपका कंसिडरेशन है और आपकी प्रॉमिस मेरा कंसिडरेशन है क्या अब आपको कुछ समझा डेफिनेशन में क्या लिखा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट बट ये अग्रीमेंट शुड इट ऑल्सो लीगली एनफोर्सेबल लीगली अनफोर्सेबल होगी ये अग्रीमेंट तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगी ना हा के ना फिर लॉ मेकर ने प्रॉमिस वर्ड को डिफाइन किया अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस तो ऑफर को एक्सेप्टेंस जब मिल जाता है इट विल बिकम अ प्रॉमिस गेटिंग इट और नो यस श्योर ये लिखना है आपको एग्जांपल आपने वो एग्जाम्पल लिखा था ना शाहरुख वाला उसके नीचे जगह है शाहरुख और आमिर का एग्जाम्पल जो लिखा था आपने है क्या जगह वहां पे नहीं है जगह स्टिक नोट लगा दोगे उधर उधर ही लगाओ स्टिक नोट बेग बोरो स्टील डू वट एवर यू वॉन्ट टू वहीं पे लिखो क्योंकि वापस से फिर अन all विल वेस्ट टाइम ये ऊपर का पार्ट तो आपने लिख दिया है ना सिर्फ यहां लिख दो आमिर के लिए प्रॉमिस रहेगी टू गिव कार और प्रॉमिस के बदले में जो मिलेगा कंसिडरेशन दैट इज गोइंग टू बी फिफ्टी लैक्स लिखो।, लिखो ना प्लीज कैरी अपरेट नोटबुक फॉर लॉ ओके क्या वो टेक्स्ट बुक में जहां पे कंसिडरेशन लिखा है ना वहां पे लिख दो समथिंग इन रिटर्न समथिंग इन रिटर्न समथिंग इन रिटर्न कंसिड्रेशन का मतलब लिख लिया ये पॉइंट टू को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो फ्री कंसेंट टू थ्री फोर सारे इंपॉर्टेंट है फ्री कंसेंट है ना पॉइंट नंबर टू पेज नंबर फाइव कंसेंट ये वर्ड का मतलब क्या होता है कोई कहेगा कंसेंट कंसेंट मतलब नहीं परमिशन नहीं कंसेंट देना मतलब मंजूरी देना बराबर मतलब एक्सेप्टेंस देना मंजूरी देना मतलब हाँ आपने जो ऑफर किया है उस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं ये मेरी मंजूरी है मतलब ये मेरा कंसेंट है सिर्फ कंसेंट नहीं लिखा है मैंने कंसेंट के आगे भी और कुछ लिखा है फ्री कंसेंट अच्छा पहले तो हम कंसेंट से रिलेटेड कुछ चर्चा करेंगे और फिर हम देखेंगे कंसेंट कब फ्री होता है ठीक है सब लोगों का लिखना हो गया हंड्रेड परसेंट श्योर ओके ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज ध्यान से सुनो देखो जैसे मैंने वो ऑयल का एग्जाम्पल दिया था मैं वापस से उस चीज को रेफर करना चाहती हूँ जब कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर करने जाते हैं जब कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर करने जाते हैं वी हैव टू थिंक अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम मतलब जो चीज मैं आपको ऑफर कर रही हूं आपने उसी चीज के बारे में सोचा है मुझसे खरीदने के लिए जो चीज मेरे दिमाग में है कि मैं ये पर्टिकुलर चीज आपको ऑफर कर रही हूं वही चीज आपने भी उसी समय पे सोची थी मुझसे इतने पैसों में खरीदने के लिए मैं बेचना कुछ एक चीज चाहती हूं आप खरीदने के बारे में कोई और चीज के बारे में बोल रहे हो क्या हमारे माइंड्स मैच हो रहे हैं और अगर अगर हमारे माइंड्स एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं वी कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखो एक एग्जाम्पल देखते मैंने एक बढ़िया एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया है देखो एक दिन क्या होता है एक दिन क्या होता है दीपिका जो है शी वॉज फीलिंग वेरी लोनली तो उन्होंने सोचा कि आई शुड अडॉप्ट अ पेट तो इसीलिए वो क्या करती है शी गोज टू अ पेट शॉप और वहां पे उसे दो पपीज नजर आते हैं एक का नाम था रंगवीर और दूसरे का नाम था रणवीर <laughs> वैसे भी दीपिका जी को कुत्ते बड़े पसंद है <laughs> तो <laughs> मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा है तो अब देखो होता क्या है राधे राधे कितने वाहियात हो आप लोग <laughs> तो आप देखो हुआ क्या दीपिका जी कहती है ना ये पेट शॉप के ओनर को कि ये जो है ना ये प्लीज आई वांट टू अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर पेट आप प्लीज मुझे दे दीजिए बट नाउ ये शॉपकीपर को सुनाई देता है रंगवीर और वो क्या करता है रंगवीर को दे देता है टू तो दीपिका जी मतलब देखो दीपिका को चाहिए था रंगवीर और मिल कौन गया रंगवीर अब मुझे बताओ ये दोनों भी लोग दोनों भी लोग मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हु आर द कॉन्ट्रेक्टिंग पार्टीज ऑफ ये दीपिका एंड द शॉप ओनर आर दे थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम इफ दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस इन दोनों लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता समझ में आया क्या तो पहली बात तो कंसेंट किसके लिए मिलेगा उसी चीज के लिए मिलना चाहिए जो चीज ऑफर की गई है मैं ऑफर मैं बोल रही हूं मुझे चाहिए रंगवीर और मुझे मिल रहा है रंगवीर तो क्या वो गलत हो जाएगा या जो भी है अदर वे राउंड इट नॉट हैपन इन सच अ मैनर जो चीज ऑफर की है वही हमें इन रिटर्न मिलनी चाहिए नहीं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता तो यही जो चीज है ना जिसको हम मैं इतने टाइम से कह रही थी दैट यू हैव टू थिंक अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम उसके लिए एक लैटिन प्रोवर्ब है लैटिन प्रोवर्ब इंग्लिश नहीं लैटिन उसको कहते हैं कंसेंसिस एड इडियम क्या कहते हैं कंसेंसिस एड इडियम कंसेंसिस एड इडियम मीन्स टू थिंक अबाउट द सेम थिंग एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस तो क्या यह चीज का होना जरूरी है टू एंटर इंटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखो ये आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम दे फॉर देर इज नो कंसेंसिज एट इडियम दिस इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड इट इज अ लैटिन वर्ड इनफैक्ट पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप देखोगे बहुत सारे वर्ड ऐसे है जो लैटिन है क्यू क्योंकि जो हमारे इंडियन कानून हैं दे आर बीन कॉपी नो सॉरी दे आर बीन इंस्पायर्ड बाई ब्रिटिश लॉज ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत सारे समय के लिए राज किया था हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है जिसके वजह से हमारे कानून भी बहुत सारे हमने देखे हैं कि उन्हीं के, के लॉज से यू you नो know, मिलते जुलते हैं कॉपीड नहीं कहोगी कहोगी इंस्पायर्ड है तो बहुत सारे वर्ड्स भी है लैटिन वर्ड्स है और खैर सारे कानून तो जो है हमने इंग्लिश में ही ड्राफ्ट किए हैं और इनफैक्ट दे आर ऑलमोस्ट द सेम एज द ब्रिटिश लॉज आर तो इसीलिए ये वर्ड अभी भी हमारे इंडियन लॉ में है कंसेंस एड एडीएम मीन टू थिंक अबाउट द सेम थिंग एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस ये एग्जाम्पल आप लिखोगे बट पहले टेक्सट बुक पे आ जाओ तो टेक्सट बुक पे देखो पहला बुलेट सब लोग रीड करो पॉइंट नंबर टू का टू एवरी वन टू गेद कम ऑन फास्ट two or more persons are said to when they agree upon the same thing in the same sense this can also be understood as identity of minds in understanding the term namely consensus ad idiom. consensus ad idiom is a latin word which means to think about the same thing in the same sense at सेम टाइम अगर कंसेंसिस एट ईडीएम नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है हम लोग क्या पढ़ रहे ना असेंशियल वी हैव टू थिंक अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम नहीं तो फिर यह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता ठीक है अब क्या करो ये एग्जाम्पल लिख दो आप तो दीपिका है पेटशॉप है रंगवीर और रंगबीर है हो गया लिख के राइट डाउन फास्ट फास्ट एंड नॉट स्लो 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 हो गया क्या लिखे कंसेंसिस एड रीडियम के उधर भी लिख दो लैटिन वर्ड और उसका मतलब तो ऊपर वाले सेंटेंस में है ही टू अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस लिख लिया ठीक है आगे के पॉइंट को मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा आधा घंटा तो आई डोंट थिंक आप लोग बैठोगे तो कल करूंगी मैं आज जितना किया उससे मैं रिवाइज करती हूँ फिर मैं आपको छोड़ देती हूँ <coughs> ये पांच पॉइंट्स आप बता पाओगे क्या मुझे जो जनरल असेंशियल्स थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहला क्या था कितने पार्टीज होने चाहिए दो दो पर्सन क्या वो नेचुरल भी हो सकता है क्या वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है क्या इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन नेसेसरी है प्लस साथ ही साथ कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अदर फॉर्मेलिटीज आर नेसेसरी अगर आपका वो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये सारे अदर फॉर्मेलिटीज क्या आपको करना नेसेसरी हो गए या ना और अगर आपने ये अदर फॉर्मेलिटीज नहीं किए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड माना जाएगा प्लस नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पॉइंट इज शुड दे बी अ सर्टिनटी ऑफ मीनिंग हाँ या ना yes. मतलब यू हैव ये कंसेंसिस एट ए यू हैव टू थिंक अबाउट द सेम थिंग एट द सेम टाइम इन द सेम Sense. अगर कंसेंसिस एट ईडीएम नहीं है आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता और लास्ट पॉइंट है जो आपने चीज डिमांड की है इट शुड बी पॉसिबल ऑफ बींग परफॉर्मड ऐसी कोई चीज जो आपने डिमांड की है जिसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी एंटर कर ही नहीं सकते सेक्शन टेन

एक केस में वापस से डिस्कस करना चाहती हूं जो मैं आज डिस्कस किया था बैल्फर वर्सेस बैल्फर देखो केस को कैसे आप साइट करते हो कैसे आप कहते हो इट बेसिकली इज वर्सेस डिफेंडेंट प्लेंटिफ मतलब वो बंदा जिसने केस फाइल किया है डिफेंडेंट मतलब वो बंदा जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा रहा है तो अब आप जब साइट करते हो सबसे पहला नाम प्लेंटिफ वर्सेस फिर डिफेंडेंट का नाम होगा बैल्फा वर्सेस बेल्फर में क्या हुआ था हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया था क्या प्रॉमिस किया था कि हर महीने आपके मेंटेनेंस के लिए मैं आपको तीस डॉलर दूंगा बट कुछ समय मेंटेनेंस देने के बाद हस्बैंड ने ये मेंटेनेंस देना बंद कर दिया और इसीलिए वाइफ फाइल्ड केस अगेंस्ट द हस्बैंड मुझे बताओ जज अगर आप होते आप किसके फेवर में डिसीजन दे वाइफ या हस्बैंड क्यों हस्बैंड क्योंकि ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट था इट नेवर टर्न अ कॉन्ट्रैक्ट, और क्योंकि यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि नहीं है यहां पे केस मेंटेनेबल नहीं था यस अनो गाइज कॉल एन ऑफर टुडे थैंक यू वेरी मच आई विल सी यू ऑल टमोरो